Hey guys, DJ here. Finally, Guild Fest over हो गया है. अब बारी है Guild Fest की gifts collect करने की. आप सबका Guild Fest कैसा रहा? किस किस को Guild Fest पसंद है और किस किस को नहीं? आप comment section में share कर सकते हैं. Personally, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है Guild Fest, but guild में रहना तो Guild Fest करना ही पड़ेगा. So चलो के collect करते हैं gifts. First वाले में मैं collect करूँगा speed up. War Town की ज़रूरत नहीं है. मेरा ऑलरेडी बैटल ऑन मैक्स है. सो आर्मी अटैक बूस्ट मैं कलेक्ट करूँगा. सेकेंड वाले में हेल राइडर चेस कलेक्ट करूँगा बिकॉज जेम्स की रिक्वायरमेंट नहीं है. एनिमा प्रोडक्शन मेरा काफ़ी हाई है. थर्ड में फिर मैं मेटेरियल चेस कलेक्ट करूँगा. सेम एनिमा और प्रिजन मेरा मैक्स है ऑलरेडी. सो एनिमा की रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे. सो मेरे को गेस अपने फोर्ज करने हैं. रिसर्च स्पीड अप बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास. ब्रेव हार्ट्स तो मिल जाते हैं ऑलरेडी. आप लोगों को लग रहा होगा मैं बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ, बट क्या करें, टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है. सो उसके लिए माफ़ करना. नेक्स्ट टाइम थोड़ा स्लो बनाने की कोशिश करूँगा. सो सिक्स्थ में भी मैं स्पीड अप ही ले रहा हूँ. सेवन्थ में मैं चेस्ट लूँगा. हेल्थ राइडर इसका ब्रेन मुझे चाहिए अपने गेयर में, अपने गेयर्स को फोर्ज करने के लिए. बहुत मुश्किल से मिलता है हेल राइडर का ब्रेन, बहुत ज़्यादा मुश्किल. सो एट्थ में भी मैं स्पीड अप लूँगा बिकॉज मेरे को अपने T4 जल्दी से जल्दी ओपन करने हैं. 6 से 7 रिसर्च रह गई है मेरी T4 के लिए. सो उसके लिए मुझे रिसर्च स्पीड अप की काफ़ी नीड है. 9th पे मैं बैक टू मर्ज 3 कर रहा हूँ तो उसके लिए स्पीड अप चाहिए मुझे. क्रिस्टल पिक्सेल की ज़रूरत नहीं है. ड्रेसर टू मेरा ऑलरेडी मैक्स है. स्पीड अप मर्जिंग 3 आवर्स. 10th में मैं जूल ही लूँगा इन्फेंट्री बिकॉज मैं ट्राई कर रहा हूँ इन्फेंट्री हैवी बनाने के लिए. सो उसके लिए इन्फेंट्री अटैक जूल मुझे काफ़ी रिक्वायरमेंट है. आप लोग 75% स्पीड अप मार्च ले सकते हैं या आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है. मुझे जूल चाहिए तो मैं जूल सेलेक्ट कर रहा हूँ. नेक्स्ट में आते हैं, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है बिकॉज एनर्जी एक्सपी बूस्ट या एनिमा. एनिमा तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा. सो एनर्जी या एक्सपी बूस्ट देखते हैं मेरे को लेवल 14 VIP 14 में कितना. अभी तो बहुत टाइम है, अभी हाफ पे पहुँचा हूँ मैं ऑलमोस्ट. वैसे मेरे पास स्पीड अप है नहीं VIP बूस्ट का. लूँ या नहीं लूँ मैं खुद कंफ्यूज हूँ. क्या कहते हो दोस्तों, लूँ या नहीं लूँ? चलो ले ही लेता हूँ मैं इसको. थोड़ा जल्दी VIP 14 की तरफ निकल पड़ता हूँ मैं भी सो दैट मुझे एक्स्ट्रा बूस्ट मिल जाए. सो गो फॉर VIP बूस्ट. मटेरियल चेस्ट एपिक नहीं, मेरे पास ऑलरेडी है ब्राइट टैलेंट. ऑब मैं लूँगा बिकॉज मेरे को फैमिलियर अवेक करना है. सो मैंने अभी तक कोई भी फैमिलियर अवेक नहीं किया है. इसमें मैं लूँगा जूल. इसमें रेयर जूल है तो ब्लू वाला आपको जूल मिलेगा. इसमें मेरे पास जूल्स कम है. नेक्स्ट में जेम्स लूँगा मैं बिकॉज एनिमा का मेरा प्रोडक्शन सही है, हाई है. सो आई विल गो फॉर जेम्स. फिर स्पीड अप बैट और अटैक जूल. सी मेरे पास अटैक जूल्स बिल्कुल भी नहीं है. मुझे बहुत ज़्यादा नीड है जूल्स की. नेक्स्ट पार्ट आता है 16th लेवल से. सो रिसर्च रिसर्च स्पीड अप मेरे पास सी 0 है. तो मुझे स्पीड अप की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है T4 ओपन करने के लिए. अगेन स्लो बीस टेस्ट नो. स्पीड अप रिसर्च 24 आवर × 3. या आई डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. 3 डेज स्पीड अप. स्क्रॉल नहीं स्पीड अप. या नेक्स्ट प्रिजन मेरा ऑलरेडी मैक्स है. नो स्क्रॉल नहीं.
इसमें पैक्ट मर्ज लूंगा मैं, 3 hours into 13 काफ़ी सही दे रहे हैं इसमें। या स्पीड अप पैक मर्जिंग अगेन, 19th में स्टील कप दे रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा स्टील्स कप देते हैं, जब हमारे को रिक्वायरमेंट होती है तब तो देते नहीं ये लोग IGG वाले। सो इसमें ब्राइट टैलेंट ऑफ या स्पीड अप, इसमें कन्फ्यूजिंग है क्या लूँ, स्पीड अप लेना चाहिए, मेरे पास है नहीं स्पीड अप। ये लोग आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी आपको अगर ब्राइट टैलेंट ऑफ लेना है तो आप ऑफ ले सकते हैं, मैं स्पीड अप ले रहा हूँ। नेक्स्ट टैलेंट टॉम, शील्ड एटास की बहुत मिल जाती है, टैलेंट टॉम थोड़ा चीप पड़ता है वैसे अगर मैं गिल्ड कॉइन से ख़रीदना चाहूँ तो, बट रिलोकेटर थोड़ा कॉस्टली है तो रिलोकेटर लूँगा मैं यहाँ पे। नेक्स्ट होली स्टार्स, ये मेरा फैमिलियर मुझे दे देगा थोड़े टाइम में पैक 3 में। एनिमा नहीं, बोन एपैटी ये लूँगा मैं, बिकॉज इसका मुझे ग्रोइंग हेलो चाहिए, ये इन्फेंट्री केयर्स में बहुत ज़्यादा काम आएगा आगे, इवन आगे गोल्ड बहुत चाहिए इस केयर का। नेक्स्ट में स्पीड अप अगेन, या रिसर्च डिफेंस रूल्स की असर मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जेम्स ऑलरेडी मिल जाते हैं मुझे काफ़ी, बड़े गिल्ड का ही तो फ़ायदा है। सो यहाँ मैं लूँगा 24 hours into 3 स्पीड अप, 24 hours या 3 डे का ऑलमोस्ट। सो यहाँ पे कॉस्टिंग देखी जाए तो 600 into 7 ऑलमोस्ट 4.2K जेम्स, और अगर मैं 24 hours का देखूँ तो 4.5K जेम्स। सो यहाँ मुझे चीप यही पड़ रहा है कि मैं 24 hours into 3 का स्पीड अप लूँ, बिकॉज अगर मैं जेम्स से बाय करूँगा तो 4.5K का मुझे पड़ेगा, और मुझे जेम्स मिल रहे हैं 4.2K 24 hours into 3। सो मैं 24 hours into 3 का लूँगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वाले में क्या है, नेक्स्ट वाले में फिर से स्क्रॉल और 2 chests। सो एक है सेबर फांग चेस्ट इनटू 50, इसका ब्लड सकर बहुत मुश्किल से मिलता है, और हाँ, और नेक्स्ट है टाइडल टाइटस, इसका पर्ल भी बहुत मुश्किल है कलेक्ट करना, और मैं भी थोड़ा फोकस कर रहा हूँ अपने इन्फेंट्री गेस पर, सो तो मुझे इसका पर्ल चाहिए, सो मैं इसी को लूँगा अभी। नेक्स्ट में स्पीड अप 24 hours into 3, एक्स पे बूस्ट नहीं, स्क्रॉल्स भी नहीं। 25th में पाओ विंग बूस्ट 3 into 11 और 3 डे स्पीड अप रिसर्च, सो 3 into 2 6 days का रिसर्च बहुत मुश्किल से मिलता है, तो मैं 6 days का रिसर्च लूँगा, मेरे पास बिल्कुल भी रिसर्च नहीं है, स्पीड अप है ही नहीं, 0। सी नेक्स्ट लास्ट वन जूल, जूल्स आप लोग गिल्ड फेस्ट गिल्ड कॉइन से भी बाय कर सकते हो, करके अंडर चूस, इसकी आई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से मिलती है अगेन, फिर कंफ्यूजिंग है। गर्गेंद्रा चेस्ट या हेल्ड राइडर, गर्गेंद्रा की आई भी मुझे चाहिए और हेल्ड राइडर का ब्रेन भी मुझे चाहिए, तो क्या लिया जाए, आई या ब्रेन? आई, एक्चुअली मुझे दोनों ही चाहिए, बट मैं आई लेके अपने गिफ्ट वॉच करूँगा, कलेक्ट कर लिया है सारे गिफ्ट्स। सो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, मुझे कमेंट करके बताना किस किस को गिल्ड फेस्ट पसंद है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है गिल्ड फेस्ट, लाइक IGG हर मंथ गिल्ड फेस्ट ले आता है, लाइक क्या बस कलेक्ट करते रहो फोर्ज करते रहो, बट इसके कुछ फ़ायदे भी हैं नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ लोगों को पसंद आता है कुछ लोगों को नहीं आता पसंद गिल्ड फेस्ट, बट गिल्ड फेस्ट में फ़ायदा ये है कि टास्क के थ्रू हम अपनी माइट इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने कासल को ग्रो कर सकते हैं, इसलिए ट्रूप्स ट्रेन कर सकते हैं, इसमें काफ़ी टास्क ऐसे होते हैं जो हमारी माइट रैंडम मतलब काफ़ी बूस्टली इंक्रीज़ कर देते हैं हमारी कासल की माइट। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ज़्यादा कुछ अच्छा कंटेंट नहीं था आई नो, बट थोड़ा बोरिंग था, बट अभी थोड़ा कंटेंट मिल नहीं रहा, अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है वीडियो बनाने यूट्यूब पे, सो होप आपको आगे अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे देखने के लिए। See you guys.